मैच बॉक्स मेजर फोर सेंटीमीटर इंटू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंटू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो एक मैच बॉक्स है उसका लेंथ फोर सेंटीमीटर ब्रेथ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड हाइट तो हाइट है वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जब भी इस ऑर्डर में लिखा होता है तो पहला वाला लेंथ होता है यह ब्रेथ होता है लास्ट वाला हाइट होता है तो हाइट हो गया 1.5 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस तो एक बड़ा सा पैकेट है उसमें इस डायमेंशन के 12 मैच बॉक्स रखे हुए हैं। पूरे पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा तो पैकेट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे उसको फिर ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फोर इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि सेंटीमीटर में हर एक चीज हमको गिवन थी मल्टीप्लाई करें इसको फोर को टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करोगे टेन और टेन को वन पॉइंट फाइव से करोगे तो फिफ्टीन सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पैकेट इस पैकेट में कितने बॉक्स हैं हैं मैच बॉक्सेस और एक बॉक्स का वॉल्यूम है 15. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यह आएगा वन एटी सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कॉपी कर लो उसको जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू इस एक्सरसाइज में क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों एक साथ आ सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्यूबॉइडल वाटर टैंक मीटर लॉन्ग फाइव मीटर वाइड एंड फोर पॉइंट फाइव मीटर डीप तो डायमेंशन लिख लेते हैं पहले इस वाटर टैंक का लेंथ फाइव मीटर ब्रेथ फोर पॉइंट सॉरी 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 लेंथ है सिक्स मीटर लेंथ फाइव नहीं है सिक्स मीटर लॉन्ग फाइव मीटर वाइड तो ब्रेथ है फाइव मीटर और डीप का मतलब होगा हाइट फोर पॉइंट फाइव मीटर डीप है हाउ मेनी लीटर होल्ड लीटर है मतलब कैपेसिटी बतानी है हालांकि हमने ये फॉर्मूला सीखा है मीटर क्यूब में थाउजेंड लीटर होते हैं तो हम पहले निकालते हैं इसका वॉल्यूम कितना आएगा वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट सिक्स इंटू फोर पॉइंट फाइव इंटू फाइव इंटू फोर पॉइंट फाइव ये आ गया मीटर क्यूब में इसको मल्टीप्लाई करें तो सिक्स इंटू फाइव हो गया थर्टी थर्टी इंटू फोर पॉइंट फाइव 30 को 4.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 30 को पहले 4 से करो तो 120 और 30 को 0.5 से करो 15 इन दोनों को ऐड कर लो तो 135 मीटर क्यूब ये हो गया वॉल्यूम अब निकालते हैं कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब लीटर्स में तो 135 मीटर क्यूब में और एक मीटर क्यूब में थाउजेंड लीटर लिक्विड है तो ये बन गया 135 उस पे थ्री जीरो लीटर ठीक है इसको चाहो तो वन थर्टी फाइव किलो लीटर भी लिख सकते हो किलो लीटर यह हमारा आंसर तो फॉर्मूला क्या, क्या याद रखोगे वन मीटर क्यूब में थाउजेंड लीटर और इसको वन किलो लीटर भी लिखा जा सकता है ठीक है तो वन मीटर क्यूब में वन किलो लीटर लिक्विड कभी कभी हमको सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मिलता है तो उसका फॉर्मूला होता है थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वन लीटर ये कॉपी कर लो अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में है मैं अभी अपलोड करता हूं तो ये क्वेश्चन भी लीटर्स पे है ठीक है मतलब कैपेसिटी पे है वेसल टेन मीटर लॉन्ग एंड एट मीटर वाइड उसका लेंथ और ब्रेथ दिया है ठीक है क्यूबॉइड के शेप में है ये भी मैंशन है लेंथ है टेन मीटर और उसकी वृथ है एट मीटर हाउ हाई मस्ट इट बी मेड तो हाइट हमको नहीं पता है कितना ऊंचा इसको बनाए होल्ड थ्री एटी क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड वॉल्यूमेंश है थ्री एटी मीटर क्यूब क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब वॉल्यूमशन है कितना हाइट इसको हम देख वॉल्यूम होल्ड कर पाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं एल इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम की जगह पर क्या रखेंगे थ्री एटी टेन इंटू एट इंटू हाइट यहाँ पे अनोन है हाइट की वैल्यू थ्री एटी अपॉन टेन इंटू एट एटी जीरो से जीरो कैंसिल टू से कैंसिल फोर टाइम्स टू से कैंसिल टाइम्स तो 19 4, इसको कैंसिलीफाई करोगे तो क्या आएगा फोर फोर जा सिक्सटीन और थ्री थ्री पे जीरो फोर सेवन जा और फोर फाइव जा फोर पॉइंट सेवन फाइव मीटर को हाइट देनी पड़ेगी तो ये वॉल्यूम ये स्टोर कर पाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री कॉपी कर लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉडल पिट एट मीटर लॉन्ग सिक्स मीटर ब्रॉड एंड थ्री मीटर डीप एट द रेट ऑफ रुपीज थर्टी पर मीटर क्यूब तो ये क्यूबर्डल गड्ढा एक खोदना है ठीक है गड्ढा खोदना है उस गड्ढे का जो डायमेंशन है उस पेट का जो डायमेंशन है एट मीटर लॉन्ग सिक्स मीटर ब्रॉड मतलब वाइड और डीप मतलब थ्री मीटर हाई इस डायमेंशन का एक गड्ढा हमको बनाना है ठीक है रेट क्या है थर्टी पर मीटर क्यूब मतलब वन मीटर क्यूब डिग करने के लिए थर्टी हमको रुपीस पे करना है पहले निकालते हैं वॉल्यूम क्यूबॉइड है तो एल इन टू बी इन टू एच वॉल्यूम हो जाएगा एट इंटू सिक्स इंटू थ्री कितना आएगा वन फोर्टी फोर मीटर क्यूब अब जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा वन फोर्टी फोर इंटू थर्टी ना वन मीटर क्यूब का कॉस्ट है थर्टी तो वन फोर्टी फोर मीटर क्यूब का इंटू थर्टी जीरो फोर थ्री टू जीरो रुपीज आ रहा है कॉस्ट ये आंसर होना चाहिए कॉपी कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो

ब्रेथ पता है टेन मीटर इस टैंक का हाइट नहीं पता है ये पता है कि इस कैपेसिटी में इस वॉल्यूम में इतना लिक्विड हम स्टोर कर सकते हैं ओके तो अगर इतना लिक्विड हम इसमें स्टोर कर सकते हैं तो हाइट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से पहले क्या करते हैं कैपेसिटी से हम वॉल्यूम कन्वर्ट करते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वन मीटर क्यूब में थाउजेंड लीटर ठीक है तो इतने लीटर में कितना मीटर क्यूब आएगा हम मीटर क्यूब क्यों निकाल रहे हैं आपकी वॉइस बहुत अजीब तो इसमें देखो वन मीटर क्यूब में थाउजेंड लीटर लिक्विड आता है अब इतने लीटर्स में कितना मीटर क्यूब आएगा वो पहले निकालते हैं हाँ चयन कुछ कह रहे हो सच में टेन एच नहीं होगा क्या सच में टेन नहीं होगा टेन नहीं होगा मतलब हां तो इसमें एच की वैल्यू 10 नहीं होगी हां ठीक है सही कह रहे हो जो 10 है वो H है हमें ब्रेथ निकालना है देखो 1000 मीटर क्यूब में 1 लीटर आता है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा 1 अपॉन 1000 लीटर और इसने वॉल्यूम दिया है 50000 तो इतने मीटर क्यूब में कितना होगा 50000 अपॉन 1000 फिफ्टी फाइव और जीरो फिफ्टी नहीं उल्टा कर दिया हमने वेट इसने लीटर दिया है ना हमने उल्टा लिख दिया थाउजेंड लीटर में होता है वन मीटर क्यूब तो वन लीटर में कितना मीटर क्यूब वन अपॉन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड लीटर क्यू, फिफ्टी थाउजेंड लीटर में फिफ्टी थाउजेंड अपॉन थाउजेंड तो ये हो गया फिफ्टी मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया फिफ्टी मीटर क्यूब अब ये जो वॉल्यूम है वो एल इंटू बी इन टू एच होना चाहिए फिफ्टी इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू बी नहीं पता है और हाइट पता है टेन तो देखो फिफ्टी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ये तो इन टू बी यहां से बी की वैल्यू क्या मिलेगी टू मीटर तो इसका जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए टू मीटर का वेट होना चाहिए कॉपी कर लो तो आपकी इस क्वेश्चन में विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है फोर थाउजेंड रिक्वायर्स वन फिफ्टी लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे तो फोर थाउजेंड लोग रहते हैं वहां पे हर एक इंसान okay. को वन फिफ्टी लीटर पानी चाहिए हर दिन इट हैज अ टैंक मेजरिंग एल बी एच फॉर हाउ मेनी डेज विल द वॉटर ऑफ दिस टैंक लास्ट टैंक का पानी कितने दिन चलेगा वो चाहिए हमको तो क्या करते हैं कितने पानी की रिक्वायरमेंट है एक दिन में पहले वो निकाल लेते हैं ठीक है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे कितना होगा तो फोर थाउजेंड लोग रहते हैं और हर एक इंसान को वन फिफ्टी लीटर पानी चाहिए होगा तो ये हो गया सिक्सटी पे कितने जीरो हो फोर जीरो इतने लीटर पानी चाहिए हर एक दिन और कितनी कैपेसिटी है वो निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना होगा वॉल्यूम तो एल इंटू बी इंटू एच एल बी एच इस क्वेश्चन में गिवन था एल ट्वेंटी मीटर बी फिफ्टीन मीटर और हाइट सिक्स मीटर निकाले मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन इंटू सिक्स कितना आएगा बताओ एटीन हंड्रेड मीटर क्यूब ठीक है ना अब कैपेसिटी निकाले टैंक की कैपेसिटी मतलब लीटर में वॉल्यूम तो एटीन था एटीन हंड्रेड इंटू थाउजेंड ये लीटर हो गया तो एटीन पे कितने जीरोस फाइव जीरोस तो ए, एक दिन में इतना पानी चाहिए और उस टैंक में टोटल इतना पानी स्टोर हो सकता है तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे टैंक की जो कैपेसिटी है 18 पे फाइव जीरो अपॉन एक दिन में कितना पानी खर्च होता है तो 60 पे फोर जीरो चलो कैंसिल करें तो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स से ये कैंसिल थ्री तो कितना दिन चलेगा पानी थ्री डेज तक पानी वो सबको फीड कर पाएगा बोलो क्लियर कॉपी कर देखो ये है सिचुएशन

नंबर ऑफ क्रेट्स कैसे निकाल सकते हो दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करोगे नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट ठीक है तो गोडाउन का वॉल्यूम सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन डिवाइडेड बाय 1.5 इनटू 1.25 इनटू 0.5 ये सारे डायमेंशन मीटर में होंगे तब ये ठीक रहेगा सारे डायमेंशन जो है वो मीटर में है यूनिट सबकी सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं देखो नीचे से ये जीरो हटा लिया ऊपर टेन चला गया ये हटा लिया तो ऊपर हंड्रेड चला गया और ये हटा लिया तो ऊपर चला गया टेन अब करो कैंसिलेशन स्टार्ट फिफ्टीन से ये सिक्सटी फोर टाइम्स ट्वेंटी फाइव से ये टाइम्स, फोर सिक्सटीन और, और सिक्सटीन Four 16, 16 पे वन टू थ्री सिक्सटीन थाउजेंड क्रेट्स उसमें हम रख सकते हैं टोटल ये हो गया सेवेंथ इसको भी कॉपी कर लो सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ट्वेल्व इज कट इंटू एट क्यूब ऑफ पीपल तो देखो सॉलिड क्यूब है उसका साइड कितना है ट्वेल्व सेंटीमीटर तो कैपिटल ए मान लेते हैं साइड ऑफ लार्जर क्यूब वो है ट्वेल्व सेंटीमीटर इसको कट करना है हमें एट इक्वल क्यूब्स वाले वॉल्यूम में एट क्यूब्स में कट करना है उन सारे क्यूब्स का वॉल्यूम क्या है सेम है तो स्मॉल ए मान लिया साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब वो निकालना है हमको ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरिया देखो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब स्मॉलर क्यूब्स का वॉल्यूम निकाल ले और उसको एट से मल्टीप्लाई कर ले ठीक है क्योंकि तो इसी कूब क्यूब को कट करके हमें छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं तो लार्जर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इक्वल टू एट इंटू स्मोलर क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब तो यहां से ए क्यूब कितना आ गया टू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व अपॉन एट इंटू एट सॉरी ट्वेल्व इंटू एट बस फोर से कैंसिल टू टाइम्स फोर से कैंसिल थ्री टाइम्स टू से कैंसिल सिक्स टाइम्स तो यह हो गया टू वन सिक्स ए की वैल्यू क्या होगी क्यूब रूट ऑफ टू वन सिक्स तो सिक्स का क्यूब लिख सकते हो ना और उसका क्यूब रूट जब लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सिक्स सेंटीमीटर तो स्मॉलर क्यूब का साइड हो गया सिक्स अब रेशियो ऑफ सरफेस एरिया देखो रेशियो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया मतलब लार्ज़र क्यूब तो का सिक्स ए स्क्वायर स्मॉलर क्यूब का सिक्स ए स्क्वायर सिक्स से सिक्स कैंसिल कैपिटल ए बाई स्मॉल ए का होल स्क्वायर ट्वेल्व अपॉन सिक्स ये आ गया फोर अपॉन वन या फिर फोर इज टू वन बोलो क्लियर यस सर कॉपी करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अच्छा ओके okay, नाइन्थ देखो रिवर है थ्री मीटर डीप तो हाइट हो गई थ्री मीटर फोर्टी मीटर वाइड ब्रेथ हो गया फोर्टी मीटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ टू किलोमीटर पर आवर तो फ्लो का जो स्पीड है स्पीड ऑफ फ्लो वो है टू किलोमीटर पर आवर हाउ मच वॉटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट ओके तो स्पीड का क्या मतलब है वो समझो पहले मान लो रिवर हमने दो किलोमीटर लंबी ले ली है स्पीड है टू किलोमीटर रिवर हमने दो किलोमीटर लंबी ले ली है अब रिवर पे रिवर का जो टॉप सरफेस होगा उस पर कुछ ड्रॉपलेट्स कंसीडर करो पानी की बूंदे एक घंटे के बाद ये पानी का बूंद कहां पे होगा इस एंड पे होगा ना स्पीड का क्या मतलब है पानी पे जितने भी टॉप सरफेस पे जितना भी पानी है सब टू के स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो अगर हमने ये लेंथ टू किलोमीटर ले लिया है ये लेंथ टू किलोमीटर है तो एक घंटे के बाद यहां का पानी कहां पे होगा दो किलोमीटर आगे यहां पे होगा ना यस और नो यस यस तो कहने का मतलब बीच में जितना भी पानी है वो सब कहा चला गया सी में चला गया बीच में जितना भी पानी है वो कहां चला गया सी में चला गया ना तो एक घंटे में ये टू किलोमीटर की लेंथ हमने एक घंटे में ली थी ना कहने का मतलब एक घंटे में जो लेंथ होगा इस क्यूबॉइड का वो होगा दो किलोमीटर हमें लेंथ कितने मिनट में चाहिए एक मिनट का लेंथ चाहिए तो एक घंटे में लेंथ है टू किलोमीटर में लेंथ कितना है टू किलोमीटर मतलब मिनट्स मिनट्स में। में तो लेंथ है टू किलोमीटर वन मिनट में कितना होगा टू बाई सिक्सटी किलोमीटर मतलब टू बाई सिक्सटी किलोमीटर की लेंथ का पानी एक मिनट के अंदर समुंदर में जाएगा तो कितना पानी जाएगा वॉल्यूम निकालें पहले उसका एल इंटू बी इंटू एच लेंथ है टू बाई सिक्सटी लेकिन किलोमीटर में है मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी इंटू हाइट है थ्री तो टू बाई सिक्सटी को पहले थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू फोर्टी इंटू थ्री ये वॉल्यूम किस में आएगा मीटर क्यूब में सिंप्लीफाई करें जीरो से जीरो कैंसिल थ्री से यह कैंसिल टू टाइम्स टू से ये टू कैंसिल तो फोर पे कितने जीरोस हो थ्री जीरो फोर थाउजेंड मीटर क्यूब बट इसने बोला है कितना पानी जाएगा तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं कैपेसिटी लीटर में निकाल लेते हैं अच्छा रहेगा तो कैपेसिटी उस पानी का कितना होगा कैपेसिटी होगा फोर थाउजेंड मीटर क्यूब इसको मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड से तो ये लीटर्स में आ जाएगा फोर पे कितने जीरो थ्री और थ्री सिक्स फोर पे सिक्स जीरो लीटर्स बेटर रहेगा इसको हम किलो लीटर में कन्वर्ट कर लें। थाउजेंड से फिर डिवाइड करके या सीधा यहीं पे लिख सकते हो फोर थाउजेंड किलो लीटर क्योंकि जितने मीटर क्यूब उतने ही किलो लीटर होते हैं फोर थाउजेंड किलोलीटर पानी एक मिनट के अंदर समंदर में जाने वाला है ये हमारा आंसर कॉपी कर लो उसको ओके okay, तो आज यही रखते हैं अगली क्लास पे हम सिलेंडर का वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे ओके okay, सर।